हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी ने सभी 6 ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। ऐसे में अब देहरादून आए हरिद्वार के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन पत्र सौंपा, जिसके बाद बीजेपी प्रत्याशी के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता काफी हद तक साफ हो गया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आम जनता का दबाव है कि लोग निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद बीजेपी प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि केंद्र में मोदी और प्रदेश में धामी के विकास कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। देखिए, मैंने प्रारंभ से ही कह रहा हूँ कि हरिद्वार की जनता भी विकास चाहती है। अब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कार्यों से प्रभावित होकर वहाँ का जनादेश हमारे पक्ष में आया। जिला पंचायत में पहली बार हम 14 स्थानों पर जीते, उसके बाद एक वातावरण ऐसा बना कि जनता का प्रेशर बड़ा काम करता है। हर जनता अपने क्षेत्र का विकास चाहते, उनको पता है कि राज्य के अंदर विकास नहीं कर सकता है तो भारत जनता पार्टी सरकार में हो सकता है, और उसी जनता के प्रेशर से ही सभी सदस्यों ने हमको समर्थन दिया। आज 36 सदस्य ये भारत जनता पार्टी जिला पंचायत को प्राप्त हमारे साथ हैं, और मुझे बताते हुए कोई संकोच नहीं है कि विकास खंडों के अंदर 6 विकास खंड हैं, तो इसलिए चमत्कार होगा। जनादेश जब जनता जनादेश के पक्ष में जनता होती है तो जनादेश का भी सम्मान होता है। हम मुझे लगता है कि हम 6 के 6 विकास खंडों में अपने विकास अपने ब्लॉक प्रमुख बनाएंगे। ये पहली बार हरिद्वार में होगा।